Hey guys, myself Vicky Utwani and you are watching my YouTube channel Ocean. So here I'm back with my new video in which I'm going to discuss about that how we can teach the advocate in the middle of the case. Client और advocate का जो relation होता है, वो एक case का जो base होता है, ठीक है? ये relation जो होती है, वो बहुत ज़्यादा important होता है क्योंकि अगर client अपनी हर चीज़, अपनी information अगर disclose नहीं करेगा advocate के आगे और उनके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो एडवोकेट के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उस केस को विन करना और आल्सो जो क्लाइंट है उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना. सो ये केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए. सो कभी कभार ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती है जब इन दोनों के बीच के रिलेशंस थोड़े से खराब हो जाते हैं. इस पॉइंट पे क्लाइंट सोचता है कि उसको एडवोकेट चेंज करना चाहिए बट केस जो है वो काफी आगे बढ़ चुका होता है तो वो इस चीज से चेंज नहीं कर पाता कि शायद प्रोसीजर बहुत बड़ा होगा. और अगर प्रोसीजर की बात तो छोड़ो, ये प्रोसीजर टाइम टेकिंग होगा. ऑल्सो अगर पहले वाला एडवोकेट अग्री करे या नहीं करे. सो ये सब चीजों के आंसर्स जो हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी. एंड बिफोर थिंग्स गेट स्टार्टेड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग अ वीडियो फ्रॉम लॉ ओशन. सो मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि दोनों का रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और खराब होने पर अगर क्लाइंट को चेंज करना हो एडवोकेट तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है. सबसे पहले हमें ये नॉलेज है कि अगर कोई केस फाइल होता है तो उसमें वकालतनामा साइन कराया जाता है. एक वकालतनामा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एडवोकेट और क्लाइंट दोनों के साइन होते हैं. ये डॉक्यूमेंट क्लियरली ये बताता है कि क्लाइंट ने जो है वो पार दिए अपने एडवोकेट को कि वो जाके उसके लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो उसके बिहाफ पे कोर्ट में जाके एडवोकेट जो है वो पेश करे, ठीक है, कोर्ट में जाके उसको रिप्रेजेंट करे क्लाइंट को. सो इस वकालतनामा साइन करके ये पार्ट जो एडवोकेट को दी जाती है. ये एडवोकेट जो होते हैं वो जाकर सबसे पहले जब हम देखते हैं कोर्ट में, कभी कभार हम इंटर्नशिप्स में भी जाते हैं, हमने काफ़ी फाइल्स भी रीड करी हैं, बट हाँ ये इंटर्न्स के लिए या फिर जो लोग लॉ से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होगी कि हाँ एक वकालतनामा साइन होता है. बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये बात नहीं भी पता तो ये इस वीडियो में बता दी गई है. जो वकालतनामा है वो सबसे पहले ऊपर फाइल में लगाया जाता है. सो ये वकालतनामा जो है सारी चीज़ इस पर बेस होती है. अगर एडवोकेट को चेंज करना है क्लाइंट को तो सबसे पहले वो जो पहले का एडवोकेट था उससे NOC लेगा उस वकालतनामा के लिए, दैट आई वॉन्ट टू चेंज माई एडवोकेट. NOC is no objection certificate as we know. NOC अगर वो एडवोकेट दे देता है ओके आई एम गिविंग यू परमिशन, ठीक है आप जाकर एडवोकेट चेंज कर लो. सबसे पहले तो क्लाइंट और एडवोकेट को एमिकेबली ट्राई करना चाहिए कि दोनों के जो रिलेशंस है वो वापस से सही हो जाए क्योंकि जो नया एडवोकेट आएगा वो वापस से पहले वाले जो क्लाइंट है उसकी फाइल्स रीड करेगा, उसके केस को समझेगा. यहाँ पर चीज थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है. सो ये चीज सही करने के लिए पहले वाले एडवोकेट से एक NOC ली जाती है. अगर वो NOC नहीं देते हैं सो क्लाइंट के पास क्लाइंट ऑर्डर 3 ऑफ CPC दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें क्लियरली बताया गया दैट क्लाइंट इज इंडिपेंडेंट. उसके पास पावर होती है अपना एडवोकेट चेंज करने के लिए, वो बाउंड नहीं होता है, अपना एडवोकेट चेंज कर सकता है. अगर पहले वाला एडवोकेट NOC नहीं देता तो क्लाइंट जो होता है कि एप्लीकेशन साइन करके कोर्ट में जा सकता है दैट आई वांट टू चेंज माय एडवोकेट. तो पहले वाला जो एडवोकेट है उनके वकालतनामा को टर्मिनेट कर दिया जाता है, न्यू वाले एडवोकेट का वकालतनामा वहां पर लगाया जाता है, ठीक है. यहाँ पर तो ये वकालतनामा जैसे ही चेंज होगा तो मतलब पहले वाला एडवोकेट था उसके हाथ से केस गया और जो नया वाला एडवोकेट आया he has now power to represent you in front of the case, in front of the court, sorry. So, यहाँ पर नया एडवोकेट आ गया. अब क्या होता है, जो पहले जो एडवोकेट था उनके पास केस की फाइल्स थी तो वो दूसरे एडवोकेट को दे देते हैं. बट कभी कभार पहले वाले एडवोकेट जो है वो दूसरे एडवोकेट को केस की फाइल्स नहीं देते हैं. सो यहाँ पे वही होता है कि एप्लीकेशन के थ्रू कोर्ट में, कोर्ट जो होती है वो परमिशन दे देती है और कोर्ट के थ्रू जो केस की जो कॉपी होती है वो एडवोकेट को प्रोवाइड कर दी जाती है. सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था. यहाँ पर बस एक छोटा सा एक स्टेप चाहिए था और वही करने के बाद, ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद यू कैन चेंज द एडवोकेट इन द मिडल ऑफ द केस. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो वेरी क्लियरली एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच.